राणे को मना लिया है। इसके लिए राणे के आगे उन्हें झुकना भी पड़ा, लेकिन डील किस किस बात पर हुई है इस बात को पर्दे में रखा गया है। साथ ही संकेतों से कुछ बातें जाहिर हो रही हैं। नाना करते नारायण राणे आखिरकार 15 दिन बाद मान ही गए और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने राहत की बड़ी सांस ली। नारायण राणे ने उद्योग मंत्री के पद से अपना इस्तीफा भी वापस ले लिया है। नारायण राणे जी कांग्रेस को विधानसभा का चुनाव जिताने के लिए पूरी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे और उसी तरीके से हमारे ये चर्चा हुई उसके बारे में हाईकमान को भी अवगत कराया गया। नारायण राणे ने कहा कि मुझे मेरी मांगों को माने जाने का भरोसा दिलाया गया है और मुझे कांग्रेस आला कमान पर पूरा विश्वास है। मुझे कहा है कि आप यहाँ कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, कभी भी आइए, मेरे नेक्स्ट टाइम भी नेक्स्ट वीक में भी आ सकते हैं। सीधे सीधे कहें तो राणे के दबाव में कांग्रेस झुक गई और इसके लिए उनकी कई शर्तों को मान लिया गया है। इसी वजह से उनके बोल बदल गए। सूत्रों की माने तो राणे को भरोसा दिलाया गया है कि अगर चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तो सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी को ज्यादा अहमियत दी जाएगी।